हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच बातें बताने वाली हूँ, ऐसी पांच गलतियाँ बताने वाली हूँ जो अक्सर महिलाएं पीरियड्स के दौरान यानी महामारी के दौरान करती है, जिसके कारण उनको आगे जाकर फ्यूचर में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या या फिर पीरियड्स इरेगुलर होने की समस्या दिखाई देती है। तो आयुर्वेदानुसार ऐसी कौन सी पांच बातें हैं जिनको फॉलो करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पीरियड्स के दौरान अवॉइड करनी चाहिए वो है दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना। पीरियड्स के दौरान, महामारी के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद कहता है दिन में सोने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है और कफ दोष बढ़ने से शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होती है। आम दोष बिल्कुल विषय के समान काम करता है, दूसरी बीमारियों को पैदा करने के लिए मदद करता है। इसीलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दोपहर में यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त हुए हो, थक गए हो, तो आप पावर नैप ले सकते हो, यानी आप 15 से 20 मिनट के लिए खुर्ची पर बैठकर सो सकते हो, लेकिन पूरा दिन में 2 से 3 घंटा नहीं सोना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अक्सर अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो आयुर्वेदानुसार जो पदार्थ आमल रस के होते हैं, लवद रस के होते हैं, कटु तिक्त रस के होते हैं या फिर उष्ण तीक्ष्ण प्रॉपर्टीज़ के होते हैं या फिर गुरु स्निग्ध प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, ऐसे पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। यानी अपने खाने में जो खट्टे पदार्थ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी पदार्थ है, तीखे पदार्थ है या फिर जो फूड पचने के लिए भारी है, टाइम लेता है या फिर तले हुए पदार्थ, बहुत ज़्यादा ऑयली पदार्थ जो है, इन पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले में खाने में लघु आहार लेना चाहिए, यानी जो पदार्थ पचने में हल्का रहता है वैसा खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, बासी खाना और बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थ नहीं खाना चाहिए और फ्लूइड्स भी मेंटेन रखना चाहिए, यानी पानी भी अच्छे मात्रा में पीना चाहिए। और जो महिलाएं ये डाइट फॉलो नहीं करती है उनको भी आगे जाकर पीरियड से संबंधित समस्याएं दिखाई देती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पीरियड्स के दौरान फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन जो है अवॉइड करना चाहिए। यानी पीरियड्स के टाइम पे आपको एक्सेसिव काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए और मेंटली भी आपको रिलैक्स रहना चाहिए। जो भी मेंटल स्ट्रेस या तनाव है उससे बचना चाहिए। अगर आप पीरियड्स के दौरान फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष बढ़ने से पीरियड्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दिखाई दे सकती है। इसके अलावा वात के जो भी दूसरे डिसीजेस है वो बीमारियाँ भी आपको हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, पीरियड्स के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान संभोग करती है उन महिलाओं में आगे जाकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड में रुकावट आ सकती है और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से, थकावट की वजह से शरीर में वात दोष बढ़ सकता है, जिसके कारण आगे जाकर पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या या फिर इरेगुलर पीरियड्स की समस्या दिखाई दे सकती है। इसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना
और बाकी के 80 प्रकार के वात विकाराज भी हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पीरियड्स के दौरान हेडबट नहीं करना चाहिए, सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। आयुर्वेद कहता है पीरियड्स के दौरान हेडबट करने से इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है मूलधारा चक्र पर होता है। हमारे शरीर में 7 चक्रास रहते हैं, उसमें से एक मूलधारा चक्र रहता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत पास में रहता है, नज़दीक में रहता है। अगर पीरियड्स के दौरान महिलाएं हेडबट करती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है मूलधारा चक्र पर होता है। अगर मूलधारा चक्र में इरेगुलरिटीज आती है, उसके एनर्जी में गड़बड़ होती है, तो उसका असर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हैम्पर हो जाती है और दूसरे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। आयुर्वेदा ये नहीं कहता है कि पीरियड्स के दौरान नहीं नहाना चाहिए, बल्कि आयुर्वेदा कहता है पीरियड्स के दौरान नहाना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन उतना ही सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। 3 डेज के बाद आप हेडबाथ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।